भारत माता की, भारत माता की। आज लाडनू में अमर जवान ज्योति स्मारक व सैनिक भवन के इस नवीन उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान जिले के सैनिक अधिकारी जोधा साहब, भुतोड़िया साहब, कर्नल प्रताप सिंह जी, प्रधान जी, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, आपके संघ के अध्यक्ष झूरिया साहब, समस्त मंच पर विराजमान लाडनू से पधारे पीसीसी सदस्य शौकत जी, जिला परिषद और ब्लॉक अध्यक्ष जयराम जी बूढ़े साहब और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण मेरे सामने विराजमान लाडनू विधानसभा से पधारे सभी शहीद परिवारों से पधारे वीरांगनाएं, पूर्व सैनिक गण, फ्रेम में नहीं, सभी फ्रेम में नहीं आना, लाडनू से पधारे नागरिक गण, मैं हेलो हेलो अपनी ओर से सभी पूर्व सैनिकों को शहीदों को आज ये दो महत्वपूर्ण कार्य जो इस लाडनू में एक अमर जवान ज्योति का स्मारक का निर्माण डुगर साहब द्वारा एक सुंदर मेन चौराहे पे हुआ और उसमें सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि जो शहीद हुए हुए हैं उनका नाम जैसे जयपुर के शहीद स्मारक पर वैसे ऊपर सबसे ऊपर उनका नाम लिखा गया। तो इस लाडनू के लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो अमर शहीद जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे आज उनका नाम हम लाडनू में जैसे ही घुसेंगे तो सबसे सुंदर चौराया, सबसे सुंदर स्मारक बना हुआ उसमें सबसे ऊपर जिसके वो हकदार थे, जिन्होंने अपना प्राण त्यागे हकदार थे उसके ऊपर उनका नाम आज अंकित हुआ है। इसके साथ ही लंबे समय से जो पूर्व सैनिक गण है उनकी मांग थी कि एक भवन कम से कम लाडनू में होना चाहिए, पूरी चार दीवारी जमीन आवंटित होकर आप लोगों की तैयार थी और एक भवन की मांग आप लोगों की थी और मैं समझता हूं कि मेरी विधायक निधि से जितना पैसा इस लाडनू में लगा है मैं अपने आप को खुशकिस्मत और खुशी महसूस करता हूं कि सबसे अच्छा पैसा मैंने आज इस जगह यहां लगाया आप लोगों के लिए और जिस तरह से इस भवन का निरीक्षण हम लोगों ने किया एक सुंदर केवल फौजियों का भवन ही इस तरीके से सुव्यवस्थित बन सकता है। हम अपनी ओर से बहुत सी जगह पैसा देते हैं भवनों के लिए, सार्वजनिक भवनों के लिए, गांव में, स्कूलों में, लेकिन पैसा लगने के बाद जैसे आज ये खिलकर आया कि 20 लाख रुपए में इतनी बड़ी और इतनी सुंदर चीज बन सकती है ये समझता हूँ कि अनूठा उदाहरण हमारे लिए पूरे तहसील के लिए है कि हम लोग सही ढंग से पैसा लगाए, उसकी देख रेख करें, उस पर निगरानी रखें तो किस तरीके से हम लोग निर्माण कर सकते हैं। मेरे से पूर्व में जोधा साहब ने सारी तरीके की बातें आप लोगों के बीच रखी किस तरीके से पूर्व सैनिकों को क्या सुविधाएं मिल सकती है, उनके परिवार को क्या सुविधाएं मिल सकती है, क्या क्या काम हम कर सकते हैं, क्या लोन हमें मिल सकता है, परिवार को पेंशन है, उनके जो कार्य है, अनुकंपा नियुक्ति है, सब तरीके की बातें आप लोगों को जोधा साहब ने बताई और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में आकर अगर हम लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर जाएं कि हमें क्या क्या अधिकार, क्या क्या हमें सुविधाएं सरकार द्वारा मिली है तो वो सबसे एक अच्छा कार्य हम लोगों के लिए इस प्रोग्राम से होगा। अभी चौधरी साहब ने कहा कि 13 शहीद स्मारक इस पूरे जिले में बने और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि जो शहीद अभी हमने इससे पहले सुनारी में एक कार्यक्रम करा 87 में मोडाराम जी शहीद हुए और आज 30 साल बाद जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय वो शहीद हुए और आज 30 साल बाद एक सुंदर स्मारक स्कूल के सामने वहां बना है। इसके अलावा हमने खीवज में 2 उद्घाटन किए, डाबड़ी में पीछे उद्घाटन हुआ, कसुम्बी में हुआ, रोडू में अभी स्मारक बन रहा है। तो ये सब काम जब मैं विधायक बना तो मेरा पहला ये लक्ष्य था कि मैं
जब मैंने पहला स्पीच इस लाडनू में दिया तो मैंने कहा कि मैं एक फौजी परिवार से हूँ, साधारण परिवार से हूँ। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आपको लगता है कि दो राजनीतिक परिवारों के बीच मुझे वोट देना चाहिए तो आप लोग वोट दें। और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी मदद की, पूर्व सैनिकों ने, सैनिकों ने, एक अपना परिवार अपना बेटा मानकर आप लोगों ने मदद की, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि कुछ न कुछ आप लोगों के लिए करूं। नहीं तो अगले बार जब आपके बीच आऊंगा तो भाई पिछली बार तो फौजी को बेटो बन वोट मांगा, अभी तक माँ के लिए फेंकाई करे। तो बा और मैं पिताजी सूबेदार साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि वे हमेशा, जब मैं लाडनू हूं नहीं हूं, हमेशा समाज सेवा में लगा रहे, लेकिन जब भी कोई भी पूर्व सैनिकों काम आवे तो वे आगे हूं भी काम में करने को प्रयास करें। और इस संस्था के लिए भी मैं सबने साधुवाद देना चाहूं कि जूरिया जी जान का आदमी आप लोग बैठे इनको अध्यक्ष बना रखियो, क्योंकि अगर गैर राजनीतिक आदमी यहाँ की संस्था का अध्यक्ष होती तो आप विकास बिना भेदभाव के और बिना पार्टीबाजी के आप लोग चीजों को विकास कर सका, स्मारक बना सका, इस तरीके की भवन बन सके, आप लोग जितना भी एक्स आर्मी मैन हो वे सब मिलजुल कोई कार्यक्रम कर सके। तो मैं बांधी जूरिया साहब ने भी बांधी पूरी टीम ने भी धन्यवाद देना चाहूँ कि वे बड़ी मेहनत के साथ पूरी पर निगरानी रात और ऐसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मन खुशी है कि पिछला टाइम में कम से कम 10 स्कूलों का नामकरण शहीदा के नाम हुआ, 10 स्कूल यहाँ की है जबकि कोई शहीद हुए। एक हमारे गांव का शहीदा वीर चक्र प्राप्त मुराद खान जी, वे हमारे जन्म बहुत पहली शहीद हुआ, बाको नामकरण स्कूल को अब हुआ। और मन ही बात की कहता हुआ खुशी है कि न केवल स्मारक बने, न केवल स्कूलों को नामकरण हुए व लोगों पहचान मिली, और मन ये बात की कहता हुआ खुशी है कि जब इतिहास वापस जबकि स्कूलों को लिखो जा रहे हो, जब इतिहास की किताबें तैयार हो रही, तो मैं जगह भी मैं इतिहासकार अब मन फोन करो कि साहब आपका जो जगह वीर चक्र प्राप्त है शहीद है बाकी मन जीवनी उपलब्ध कराओ। और आज मन कहता हुआ खुशी है कि नौवीं क्लास का इतिहास में खारिया का वीर चक्र मुराद खां और भावरलाल जी बाकर फेफड़ी का पास दोनों अपना इतिहास में पट पास। तो आ लोगन अपन जिंदा कर वापस की तरीका वापस समाज में प्रेरणा ले सका, एक अनुशासन को पाठ आपा पढ़ सका। पूरा परिवार एक फौजी परिवार हूं मैं, हूं दादाजी पिताजी और जितना परिवार में एक पहली पीढ़ी में हूं जो कोई राजनीति में हूं, लेकिन मारू ऊपर की जितना भी परिवार का सदस्य आप सब आर्मी में, और बा लोगों में एक अनुशासन सीखने को मौको मन मिलो और एक काम करना की ताकत बा लोगों को मिली कि जब एक फौजी की तरीका हूं आपको पूरा जीवन सीमा पर दे रहा हो, पूरा घरों परिवारों एक एक महीना की पूरा साल में छुट्टी मिले मैं भी कई बार कौन मिल पावे, तो पर लोगन अपन जब तो सम्मान अपनी और उस समाज में दे पाओ। और भी के बाद रिटायरमेंट के बाद जब गांव में आवे तो भी टाइम जिकी सामाजिक परिस्थिति में घुलने मिलने में कतो टाइम लागे, नयो काम शुरू कर लू, परिवार ने पालनू, पूरा जीवन जवानी सीमा पर दे देनू, सेना में दे देनू, तो पे लोग सब ज्यादा अगर आज की तारीख में इस समाज में सबसे ज्यादा अगर इज्जत के हकदार है तो पूर्व सैनिक और सैनिक है वो शहीद है। मैं पुणे सारी जितनी भी समिति यहाँ है, जितने भी अधिकारीगण यहाँ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, पूर्व सभी सैनिकों का यहाँ सम्मान हुआ और एक सुंदर भवन बन के आप लोगों को यहाँ मिला है। तो मैं मेरी ओर से पुनः आप लोगों को इन संस्थाओं को आपको समर्पित करते हुए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मेरी ओर से ये कह सकता हूं कि मेरे जीवन में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सबसे ऊपर स्थान हमेशा रहेगा, रहा है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।